नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 अप्रैल दिन गुरुवार। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग देगा प्रोत्साहन राशि। बिहार के रेलवे स्टेशनों पर मात्र 20 रुपए में खाना उपलब्ध। पटना में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच का होगा आयोजन। बिहार में दूसरे चरण में 1 लाख से अधिक मतदाता पहली बार देंगे वोट। प्रदेश के इन जिलों में तापमान जा सकता है 42 डिग्री के पार। मोबाइल फोन के चोरी होने पर ऐसे ब्लॉक करें अपनी यूपीआई आईडी। आईपीएल 2024 में आज आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेल मंत्रालय ने सब इंस्पेक्टर के पदों पर निकाली भर्ती। सब इंस्पेक्टर के पदों पर रेल मंत्रालय द्वारा भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 452 पदों पर आई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट rpf.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 मई 2024 है। उम्मीदवारों से आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपये लिए जाएंगे। उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। उनकी आयु सीमा 18 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित उम्मीदवारों के लिए छूट के प्रावधान भी हैं। इच्छुक उम्मीदवार भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए इसकी सूचना और आधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग देगा प्रोत्साहन राशि। लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई तरह के काम किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग की ओर से कई प्रयास किए गए हैं। इसी कड़ी में भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक नई पहल की है। बूथ स्तर पर BLO से लेकर मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रोत्साहन राशि दिए जाएंगे। जीविका दीदी, आशा एवं अन्य कर्मियों को भी इसका लाभ मिलेगा। DM विजेताओं का चयन करेंगे। लोगों को और स्टाफ को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं 85 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं को बूथ पर पहुँचाने के लिए वाहन की सुविधा भी उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि साल 2019 के मुकाबले 10% अधिक वोटिंग कराने वाले पोलिंग स्टाफ को 5000 से लेकर 500 रुपये नकद दिए जाएंगे। वहीं लू को लेकर भी चुनाव आयोग की ओर से तैयारी की जाएगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे भावना कंठ के बारे में। भावना भारत की पहली महिला फाइटर पायलटों में से एक है। इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले में 1 दिसंबर वर्ष 1992 में हुआ था। इन्हें इनकी दो साथियों मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी के साथ पहली महिला लड़ाकू पायलट घोषित किया गया था। इन्हें इनके क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। फिलहाल भावना भारतीय वायुसेना के नंबर 3 स्क्वाड्रन कोबरा में तैनात है। बिहार के रेलवे स्टेशनों पर मात्र 20 रुपए में खाना उपलब्ध। गर्मियों के दौरान रेलवे द्वारा यात्रियों को किफायती दर पर भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ये भोजन प्लेटफॉर्मों पर सामान्य श्रेणी के कोचों के निकट स्थित काउंटरों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें बिहार के पूर्व मध्य रेल के 20 प्रमुख स्टेशनों पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके बाद आवश्यकता अनुसार अन्य प्रमुख स्टेशनों पर भी ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। आपको बता दें कि भारतीय रेल इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म के साथ मिलकर यात्रियों विशेषकर अनारक्षित कोचों में यात्रियों की सेवा के लिए एक नई पहल के साथ कदम बढ़ा रही है। वहीं 50 रुपए में स्नैक्स के साथ भोजन कराया जा रहा है, जबकि लोगों के लिए 3 रुपए में पानी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। हीट वेव से बचने के जाने उपाय। बिहार में हीट वेव या लू का अलर्ट है। मालूम हो कि हीट वेव की स्थिति मार्च से लेकर जून के महीने में देखने को मिलती है। कभी कभी जुलाई में भी ऐसी स्थिति हो जाती है। आपको बता दें कि आम तौर पर ठहरी हुई हवा के कारण हीट वेव की स्थिति बन जाती है। इसमें हाई प्रेशर सिस्टम हवा के नीचे की ओर से लेकर जाती है। ये जमीन के पास हवा को बढ़ाने से रोकती है। गर्म हवा एक जगह पर जमा हो जाती है। गर्म हवा लू से शरीर पर असर डालता है, इसलिए धूप में जाने से बचना चाहिए। पीने के पानी को साथ में रखने की कोशिश करें। AC से निकलकर सीधे धूप में नहीं जाएं। शरीर को हमेशा हाइड्रेटेड रखने की कोशिश करें। इसके लिए जूस, नींबू पानी। पटना में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच का होगा आयोजन। बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर है। राजधानी पटना में स्थित मोइनुल हक स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए रोडमैप तैयार हो चुका है। बताया जाता है कि लोकसभा के चुनाव के बाद इसके समझौते को तैयार किया जाएगा। वहीं स्टेडियम में 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। मोइनुल हक स्टेडियम को पूरे तरीके से बदल दिया जाएगा। वहीं स्टेडियम में कैंटीन के साथ ही 5 सितारा होटल जैसे कमरों की व्यवस्था भी की जाएगी। यहां खिलाड़ियों के इंडोर के साथ ही आउटडोर प्रैक्टिस की सुविधा भी होगी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
बिहार में दूसरे चरण में 1,00,000 से अधिक मतदाता पहली बार देंगे वोट। बिहार में दूसरे चरण में 5 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इन सीटों में बांका, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार शामिल है। दूसरे चरण के चुनाव के लिए बीते दिन प्रचार खत्म हो चुका है। लोकसभा प्रत्याशी अब डोर टू डोर जाकर लोगों से वोट मांग सकते हैं। वहीं बिहार में दूसरे चरण में 1,37,733 नए मतदाता वोट डालेंगे। चुनाव आयोग के अनुसार दूसरे चरण में 93,96,298 मतदाता है। इनके लिए 9,322 मतदान केंद्रों का निर्माण किया गया है। इसमें शहरी क्षेत्रों में 1,259 मतदान केंद्र हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 8,063 मतदान केंद्रों का निर्माण किया गया है। बिहार के सभी जिलों को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जानकारी के अनुसार सभी 38 जिलों में प्रति 1,000 की जनसंख्या पर एक मलेरिया के मरीज मिल रहे हैं। बिहार मलेरिया बीमारी के निर्धारित श्रेणी 1 में शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से स्वास्थ्य विभाग को इस संबंध में प्रशस्ति पत्र दिया गया है। मालूम हो कि बिहार के 3 जिलों में मलेरिया का प्रभाव अधिक है। नवादा, कैमूर और रोहतास में प्रत्येक 1,000 में एक से अधिक है। मालूम हो कि मलेरिया एक प्रकार का बुखार है। इसमें कपकपी के साथ 103 से लेकर 105 डिग्री तक बुखार हो सकता है। गोवा के राज्यपाल ने पत्नी के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का किया भ्रमण। गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई अपनी पत्नी के रीता के साथ एक दिवसीय दौरे पर नालंदा पहुंचे। यहां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के परिसदन में जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था के बीच गोवा के राज्यपाल नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचे। उन्होंने प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी के भग्नावशेष परिसर में भ्रमण किया। इन्होंने सभी मॉनेस्ट्री का बारीकी से घूमकर अवलोकन किया है। वहीं स्थानीय गाइड से इन्होंने यहां से जुड़े हुए इतिहास के बारे में जानकारी ली है। गोवा के राज्यपाल ने यहां पर स्थित खंडहर का अवलोकन किया है। साथ ही कहा है कि ये काफी अद्भुत है और देश की विरासत है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य के बारे में। ये डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर में स्थित है। गंगा नदी के इस अभयारण्य का विस्तार सुल्तानगंज से भागलपुर जिले के कहलगांव तक 60 किलोमीटर में देखने को मिलता है। इस गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। आपको बता दें कि वन्य जीव अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य को सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा नदी के 60 किलोमीटर के विस्तार में गंगे डॉल्फिन की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अधिसूचित किया गया है। आप चाहे तो यहां घूमने आ सकते हैं। यहां से नज़ारे बेहद ही प्रिय लगते हैं। बिहार के सभी जिलों में गेहूं की खरीद में तेजी लाने का आदेश। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक धान्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारी के अनुसार विभाग का ये लक्ष्य है कि राज्य में 500,00,000 टन गेहूं की सरकारी खरीद की जाए, लेकिन मार्च से अब तक करीब 700 टन गेहूं की खरीद की गई है। सभी जिलों की गेहूं की खरीद में तेजी लाने का आदेश है। बताया जाता है कि किसान खुले बाजारों में अपने गेहूं को बेच रहे हैं। इस कारण सरकारी खरीदी निराशाजनक है और आंकड़ों के अनुसार 38 जिलों में बीते 40 दिनों में क्रय केंद्रों पर गेहूं की बिक्री नहीं के बराबर हुई है। इन केंद्रों पर करीब 179 किसान ही गेहूं बेचने के उद्देश्य से पहुंचे हैं। मोबाइल फोन के चोरी होने पर ऐसे ब्लॉक करें अपनी यूपीआई आईडी। यूपीआई पेमेंट हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। इस कारण इससे जुड़ी हुई सभी जानकारी को अपने पास रखना भी जरूरी है। फोन के चोरी होने पर आपके यूपीआई आईडी का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में मोबाइल फोन यूजर्स को फोन के चोरी होने पर सबसे पहले पुलिस को शिकायत करनी चाहिए, फिर टेलीकॉम कंपनी से संपर्क कर सिम को ब्लॉक कर सकते हैं। वहीं गूगल पे यूपीआई को ब्लॉक करने के लिए 1800-4190-157 नंबर पर कॉल कर सकते हैं या गूगल फाइंड माई फोन पर जा सकते हैं। इसके उपयोग से ऐप डेटाबेस से अपना फोन नंबर हटाया जा सकता है। वही नंबर 0806872734 की मदद से फोन पे आईडी को ब्लॉक किया जा सकता है। नंबर 0120044564556 की मदद से पेटीएम यूपीआई को बंद किया जा सकता है। मनोज वाजपेयी की भैया जी का पहला गाना आउट। मनोज वाजपेयी के फिल्मी करियर की 100वीं फिल्म भैया जी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, लोगों को ये काफी पसंद भी आया। अब इसके बाद फिल्म का पहला गाना रिलीज कर दिया गया है। इसमें मनोज वाजपेयी एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं, साथ ही वो लोगों को प्रभावित भी कर रहे हैं। फिल्म भैया जी का पहला गाना रिलीज कर दिया गया है। आपको बता दें कि गाने के बोल बाघ का करेजा है। गाने में लोगों को मनोज वाजपेयी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है।
बाजारों में इस दिन से मिलेगी शाही लीची। मुजफ्फरपुर की शाही लीची अगले 20 से 25 दिनों में बाजारों में मिलने लगेगी। वहीं इस बार लीची की अच्छी पैदावार की संभावना जताई गई है। सरकार के द्वारा भी इसके लिए खास तैयारी की गई है। बताया जाता है कि 15 मई से बाजारों में शाही लीची मिलेगी। इधर रेल और हवाई यात्रा की मदद से लीची को अलग अलग राज्यों और विदेशों में भेजने की तैयारी की जा रही है। बिहार के साथ ही चेन्नई, लखनऊ, विशाखापट्टनम, मुंबई, नागपुर, बेंगलोर जैसे शहरों में इसे 18 मई के बाद से भेजा जाएगा। राज्य के लोग ऑनलाइन भी इसे खरीद सकेंगे और इसका स्वाद चख सकेंगे। प्रदेश के इन जिलों में तापमान जा सकता है 42 डिग्री के पार। बिहार में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। समय बीतने के साथ ही तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में कई जगहों पर लू की स्थिति देखने को मिल रही है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व जिलों में कुछ स्थानों पर लू की संभावना जताई गई है। इसके अलावा सहरसा, सुपौल, गोपालगंज, सिवान, पूर्वी चंपारण और पूर्णिया जिलों में एक या दो स्थानों पर लू चलने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में 42 से 44 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। बाकी अन्य जगहों पर 40 से 42 डिग्री रहने की बात कही गई है। अमरनाथ यात्रा के दौरान इन चीजों को जरूर रखें अपने पास। अमरनाथ यात्रा की जून में शुरुआत होने वाली है, ये अगस्त में राखी तक समाप्त होगी। ऐसे में इसे लेकर सरकार के द्वारा कुछ गाइडलाइन को जारी किया गया है। मालूम हो कि अमरनाथ यात्रा के लिए 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। हर साल की तरह इस बार भी कई लोग बाबा के दर्शन के लिए तैयार है। सरकार की ओर से कहा गया है कि 13 साल से कम उम्र के बच्चे, 70 साल से अधिक उम्र के लोग और गर्भवती महिलाएं इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। यात्रा के दौरान आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, वोटर आईडी कार्ड को रख सकते हैं। इसके अलावा यात्रा के दौरान हेल्थ सर्टिफिकेट को रखना भी जरूरी है। वहीं यात्रा के लिए वेबसाइट https://jksasb.nic.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सलमान खान के घर के सामने फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस फिर पहुंची बिहार। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच और बांद्रा थाने की पुलिस फिर से बिहार पहुंची है। यहां मोतिहारी में शूटर विक्की के साला सहित 5 करीबियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस पश्चिम चंपारण के गौनाहा के मसही गाँव पहुंची। यहाँ पुलिस ने नोटिस सौंपा और कुछ देर के बाद शूटर विक्की के 5 करीबियों को लेकर मुंबई चली गई है। बताया जाता है कि तबीयत खराब होने के कारण विक्की के पिता साहेब शाह को पुलिस मुंबई लेकर नहीं गई। नरकटियागंज में पुलिस ने पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया है। सरकार बने पर तेजस्वी यादव ने विशेष राज्य और विशेष पैकेज देने की घोषणा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन यानी बुधवार को बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूर्णिया पहुंचे। इस दौरान वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी इनके साथ मौजूद थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा और देश के प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। आज बिहार को विशेष राज्यों का दर्जा नहीं दिया गया है। सीमांचल और पूर्णिया में एक भी इंडस्ट्री नहीं लगी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार आने पर वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे और विशेष पैकेज भी देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर लोकसभा क्षेत्र को 4,000 करोड़ रुपए का पैकेज और बिहार को 16,000 करोड़ का विशेष पैकेज देंगे। प्रशांत किशोर ने राहुल को दी ये सलाह। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि अगर साल 2024 में कांग्रेस को सफलता नहीं मिलती है तो उन्हें अपनी मां की तरह किसी और को पार्टी की कमान नहीं देनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा है कि राहुल गांधी को लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, उन्हें किसी की सलाह या मदद की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने कभी ये जाहिर भी नहीं किया कि उन्हें मदद की जरूरत है, लेकिन जब तक कोई मदद की इच्छा जाहिर नहीं करता है तो उन्हें कोई भी मदद नहीं कर सकता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी ने 10 साल प्रयास किया, वो 3 बार चुनाव लड़े लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली है। ये सोचने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर कांग्रेस उनसे नहीं चल पा रही है तो किसी और को पार्टी कमान दे दे। जेपी नड्डा ने कांग्रेस राजद पर बोला हमला। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीते दिन बिहार पहुंचे। उन्होंने खगड़िया में एनडीए प्रत्याशी राजेश वर्मा के पक्ष में वोट अपील की। वहीं भागलपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कांग्रेस और राजद पर जमकर हमला बोला है। इन्होंने विपक्षी गठबंधन को परिवारवादी और भ्रष्ट नेताओं का गठबंधन बताया है। साथ ही कहा है कि कुछ नेता जेल में है जबकि कुछ नेता बेल पर है। जेपी नड्डा ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन के सभी नेता करप्शन में डूबे हुए हैं। जेपी नड्डा ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये पूरा परिवार तो बेल पर है। इसमें लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव आदि शामिल हैं।
आईपीएल 2024 में आज आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा खास मुकाबला। आईपीएल 2024 में आज आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खास मुकाबला होगा। मालूम हो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इंडियन प्रीमियर लीग के मैच में निचले पायदान पर चल रही है। इस बार आरसीबी की टीम हारती है तो उसे आईपीएल से सीधा बाहर होना पड़ेगा। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए बैंगलोर की टीम पूरी कोशिश करेगी, वहीं हैदराबाद की टीम भी इस मैच को अपने नाम करने की पूरी कोशिश करेगी। एसआरएच ने इस आईपीएल के मैच में 3 बार 250 रन का आंकड़ा पार कर चुकी है। आरसीबी ने 8 मैच में से 7 मैच गंवा दिए हैं। ये टीम अंक तालिका में सबसे नीचे है। आपके अनुसार क्या आज के मुकाबले में आरसीबी आईपीएल 2024 में बाहर हो जाएगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 25 अप्रैल वर्ष 2010 में भारतीय नौसेना ने पुराने हो चुके चेतक हेलीकॉप्टर की जगह नए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी। आज के दिन वर्ष 2008 में बॉलीवुड के प्रसिद्ध कलाकार और निर्देशक आमिर खान को सिनेमा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान का विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया था। आज के दिन वर्ष 1982 में दिल्ली में टेलीविजन पर पहली बार रंगीन प्रसारण की शुरुआत हुई थी। आज के दिन वर्ष 1809 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पंजाब के सिख शासक रंजीत सिंह के बीच अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। YouTube को टक्कर देने के लिए एलन मस्क लॉन्च करेंगे XTB। YouTube को टक्कर देने के लिए एलन मस्क जल्द ही XTB ऐप को लॉन्च करने जा रहे हैं। इस ऐप को YouTube के राइवल के रूप में देखा जा रहा है। बताया जाता है कि फिलहाल XTV ऐप पर काम जारी है। वहीं कंपनी के CEO लिंडा याकारिनो ने एक नया अपडेट शेयर किया है। इसके माध्यम से उन्होंने जानकारी दी है कि जल्द ही यूजर्स अपने स्मार्ट TV में X ऐप के माध्यम से रियल टाइम कॉन्टेंट को देख सकेंगे। बताया जाता है कि इस ऐप में यूजर्स के लिए बड़ी स्क्रीन पर हाई क्वालिटी एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस मिलेगा। जानकारी के अनुसार नए XTV ऐप के माध्यम से यूजर्स मोबाइल डिवाइस से सिंपल कास्टिंग के साथ ही बिग स्क्रीन पर अपने पसंदीदा कंटेंट देख सकेंगे। वीडियो देखने के लिए आप कौन से ऐप का उपयोग सबसे अधिक करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऑनलाइन कोर्स के लिए UGC ने जारी किया है नोटिस। ऑनलाइन कोर्स को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने एक जरूरी नोटिस जारी किया है। इसके अनुसार मान्यता प्राप्त कोर्सों के समान ऑफर करने के लिए धोखाधड़ी करने वाले लोगों और संगठनों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। फर्जी ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम को लेकर नोटिस जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि कुछ संगठन के द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री प्रोग्रामों के समान ऑनलाइन पाठ्यक्रम पेश किया जा रहा है। 10 दिन के MBA कोर्स ने आयोग का ध्यान अपनी ओर खींचा है। UGC के द्वारा नोटिस में कहा गया है कि विश्वविद्यालय ही एक ऐसी डिग्री दे सकता है। मान्यता प्राप्त संस्थानों की लिस्ट वेबसाइट https://deb.ugc.ac.in पर उपलब्ध है। महिंद्रा बैंक के इस सेवा पर RBI ने लगाई रोक। महिंद्रा बैंक के खिलाफ IT मानदंडों का अनुपालन नहीं करने को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल कोटक महिंद्रा बैंक को अपने ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ने और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने के तत्काल प्रभाव से RBI द्वारा रोक लगा दी गई है। RBI के मुताबिक ये एक्शन 2022 और 23 के लिए रिजर्व बैंक की IT जाँच से सामने आई चिंताओं और इन चिंताओं को समय पर ढंग से न संबोधित करने के कारण लिया गया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने? ऑप्शन ए आनंद दुबे, ऑप्शन बी है विजय छेत्री, ऑप्शन सी अमित गोयल, ऑप्शन डी है किरण दीक्षित। इसका सही उत्तर है विजय छेत्री। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है बेंगलोर। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश 900 साल पुराना कन्नर शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है तेलंगाना। बिहार का कौन सा क्षेत्र भारत का उद्यान कहा जाता है? ऑप्शन ए है पूर्वी बिहार, ऑप्शन बी है पश्चिमी बिहार, ऑप्शन सी है उत्तरी बिहार का तराई क्षेत्र, ऑप्शन डी है गंगा का मैदान। इसका सही उत्तर है उत्तरी बिहार का तराई क्षेत्र। बिहार में पहला रेल मार्ग किन 2 स्थानों के बीच था? ऑप्शन ए है दिल्ली से मुगलसराय, ऑप्शन बी है दिल्ली से पटना, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है मुगलसराय से कोलकाता, ऑप्शन डी है पटना से रांची।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है बलराम मंडल, रंजीत मिश्रा, राजीव कुमार, सुकुमार सिंह बादल, अनवर करीम खान, कृष्णा प्रसाद, जितेंद्र कुमार सहनी, विकास दास, मोहम्मद साकिर हुसैन, सादुल्ला पालवी, राजकिशोर महतो। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, YouTube पर आप किस तरह के कंटेंट देखना पसंद करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।